हेलो एवरीवन, दिस नील फ्रॉम स्टॉक सैटेलाइट। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट कैसा गया, मंडे के लिए मार्केट कैसा जा सकता है, कौन कौन सा स्टॉक अच्छा मोमेंटम कर सकता है, आने वाले वीक में मार्केट कहाँ पे अप डाउन कर सकता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, वो सारे चीज के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं डेली वीकली टाइम फ्रेम में। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था, यहाँ पे सबसे पहले फिबोनाची हम लोग लगा लेंगे क्योंकि मार्केट का भी करंट स्टेटस हमें देखना है। लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था मार्केट ने एक्जैक्टली 60% के ऊपर आके मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोज किया है और हम लोगों ने ये पर्टिकुलर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बताया था। मार्केट इसी लेवल के पास फिर से सेलिंग कर सकता है क्योंकि प्रीवियसली भी क्या हुआ था, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हैमर कैंडल बना, डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया, 2 वीक मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ये मैंने लास्ट वीक भी बताया था, आप जाके फिर पुराना वीक का वीडियो देख सकते हो कि मार्केट फिर से थोड़ा सेलिंग यहाँ पे आ सकता है, 1-2 वीक अगर होल्ड कर जाता है, एक बेस बनाता है, फिर इस बेस का ब्रेकआउट करता है तो अच्छा मोमेंटम कर सकता है। तो अभी मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में है, एक इनसाइड कैंडल भी फॉर्म किया है, अभी यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं, ऐसा भी हो सकता है मार्केट नेक्स्ट वीक फिर से यहाँ पे सेल ऑफ आ जाए और ये इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दे, फिर ये लोअर लेवल्स मार्केट फिर से दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट और एक क्यों यहाँ पे रुक जाता है, और डेली टाइम फ्रेम में और अच्छे से आपको समझाऊंगा मैं, अगर रुक जाता है फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही अच्छा यहाँ से एक अपसाइड में एक मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है, देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। लेकिन हाँ, इसका काउंटर पॉसिबिलिटी भी है, अगर लो ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन करता है तो नीचे के साइड में सेलिंग हम लोग का कंटिन्यू रहेगा जैसा हम लोग प्लान कर रहे थे। अभी डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, एग्जैक्टली जो चीज़ मैं समझाने का कोशिश कर रहा था उसके बारे में बात करेंगे। आज अराउंड 60 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन खुला, हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्केट अगर आज के कल के लो के आसपास खुलता है उसके बाद सस्टेन करने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करता है हम लोग बाइंग करेंगे, लेकिन ये गैप डाउन ही खुला, प्रीवियस लो से सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर से मोमेंटम किया था, 39,760 के पास शायद मोस्टली हाई लगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आके कल से 221 पॉइंट नीचे आके फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने 39,395 का दिया है। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है जो मैं वीकली टाइम फ्रेम में समझाने का कोशिश कर रहा था, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा था, छोटा सा मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ तो आप समझ जाओगे, उतना एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर दिया, जब यहाँ पे ब्रेक किया इस लेवल पे मार्केट ने कहने के एक रिजेक्शन लिया है। अभी अगर फ्लो में ये नीचे ब्रेक डाउन करके नीचे चला जाता है देन वेल एंड गुड, फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा। अभी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बन सकता है और स्लो एंड स्टडी थोड़ा मार्केट रुके तो 1-2 वीक मार्केट यहाँ पे रुक जाएगा, डेली टाइम फ्रेम इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, फिर अगर हाफ से ब्रेकआउट कर सकता है तो अच्छा मोमेंटम कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली हम लोगों ने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको मैं यहाँ पे समझा पाऊँ। देखिए पहले यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन, तो मल्टीपल टाइम इस डाउन ट्रेंड लाइन को मार्केट टेस्ट कर चुका है। आगे अगर दिस टाइम फिर से ये ब्रेकआउट करके इस लेवल के बाद स्लो एंड स्टडी यहाँ पे सस्टेन करते हुए ऊपर आता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया एक फास्ट अप हम लोग को मार्केट दिखा सकता है। मार्केट फिर से 42,000 का लेवल और उसके ऊपर 43,000 का लेवल, ये सारा लेवल मार्केट फिर से दिखा सकता है, देर इज हाई पॉसिबिलिटी अगर ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता है आने वाले टाइम में। अगर ये फ्लो में नीचे गिर जाता है देन वेल एंड गुड, हम लोग फिर से सेलिंग के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन मार्केट अगर यहाँ से ही बेस बना के ऊपर जाता है तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं, एग्जैक्टली कल के लिए क्या प्लान ही रहेगा, मतलब मंडे के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, मार्केट अगर इसी जोन के अंदर कहीं पे खुलता है हम लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, थोड़ा बहुत देर तक टाइम स्पेंड करें, 800 के लेवल को ब्रेक करें, अपर साइड में थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट गैप डाउन खुला। यस्टरडे बताया था ये हम लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। अभी गैप डाउन जब मार्केट यहाँ पे खुला ना, एक चीज़ हम लोगों को समझना, चीज़ें सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं बहुत जबरदस्ती चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इसका भी मैं एग्जैक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। प्रीवियसली ये सपोर्ट जो था, मतलब क्लोजिंग जो था हम लोगों के लिए एक सपोर्ट था, उसके नीचे खुला दैट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट हुआ, अच्छा मोमेंटम मिला, प्रीवियस जो हम लोगों के लिए लो था जो मार्केट ने ब्रेक किया देख लिए, देखिए एग्जैक्टली वही बन गया रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और प्रीवियस आज के लो के नीचे कहीं ना कहीं क्लोज करके नीचे एक नया लो मार्केट ने बनाया। अभी यहाँ पे भी मैंने ट्रेड किया था, अभी देखिए फ्राइडे के दिन मेरा एक रूल रहता है, मैं एक ही ट्रेड करता हूँ और बाकी रेस्ट ऑफ द डेज मैं मैक्सिमम 3 ट्रेड करता हूँ। मॉर्निंग आवर पे मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड किया था, तुरंत मुझे विद इन 5 मिनट्स 20 पॉइंट्स मिल गया, उसके बाद मैंने और एक ट्रेड नहीं किया, एक अच्छा ट्रेड दिया था समझ लो इसी लेवल के आसपास, यहाँ से बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिला, उसका मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत लोगों को बिलीव नहीं होता। देखिए मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे बताया था बैंक निफ्टी निफ्टी चैनल पे है, निफ्टी का एक हम लोग का ट्रेड भी अचीव हुआ था जो जिसमें हम लोग को ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स के आसपास मिला, फिर बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड भी दिखा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, इसका लॉजिक मैंने यहाँ पे समझाया था।
उसके बाद मैंने समान इसी लेवल के आसपास एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ट्रेड बताया था कि मार्केट आप यहाँ पे अपने चार्ट में जाके देख सकते हो कि मार्केट कितना बढ़िया परफॉर्म किया। यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेक डाउन किया है, बहुत सा 500 का लेवल भी था यहाँ पे, अगर ये ब्रेक डाउन करके फिर से इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर देता है तो सारे सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ से एक अच्छा आपको मिल सकता है और आपको मिला भी यहाँ पे डायरेक्टली, तो विद इन 2 मिनट्स के आसपास 40-45 पॉइंट्स के आसपास मिला, जो मैंने यहाँ पे पोस्ट भी किया था। एज प्रेडिक्टेड यहाँ से अच्छा मोमेंटम मिला, उसके बाद कंटिन्यू अपर साइड में गया। जो लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर जाएंगे तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। और बाय द वे, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं कोई टिप्स तो नहीं देता, बहुत सारे इंटरेस्टिंग लेवल्स पोस्ट करता हूँ जाके, जहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे। एनीवे, अभी बात करते हैं मंडे के लिए हम लोगों का क्या प्लानिंग रहेगा। देखिए, प्रीवियस लो के आसपास हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस है और 500 का हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए अभी के लिए रेजिस्टेंस जोन है और आज का डे का लो यहाँ पे है। हम अगर 500 से नीचे और 250 के ऊपर कहीं पे, मतलब 250 के आसपास कहीं पे ऊपर कहीं पे खुलता है, सॉरी 250 क्यों बोल रहा हूँ, आज का लो कहते हैं, हाँ 300 के ऊपर, सॉरी 500 से 300 के बीच में अगर कहीं पे खुलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, बहुत देर तक टाइम स्पेंड करे, उसके बाद 39,520 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, बिकॉज मार्केट सेलिंग साइड में है, क्वांटिटी हम लोग कम रखेंगे, अगर जरूरत पड़े एकदम हाफ क्वांटिटी रखेंगे। अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो उसको एक कर दो, अगर आप 1 लॉट से ट्रेड करो तो इसको अवॉइड करो, ठीक है। ऊपर साइड में छोटा छोटा टारगेट रहेगा, 39,080-70 का फर्स्ट, देन 39,670-680 का सेकंड टारगेट, ये सारा टारगेट रहेगा। फिर अपर साइड में 39,750 से लेके 800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करता है फिर अपर साइड में अच्छा एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा जो प्राइस को 40,000 तक लेके जा सकता है, देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे खुल के एक दो कैंडल वेट करके नीचे ब्रेक करके, क्योंकि सेलिंग साइड में है, हम लोग सेलिंग साइड में ज्यादा प्रेफर करेंगे, अगर एक दो कैंडल मार्केट यहाँ पे रुकता है उसके बाद ही नीचे ब्रेक डाउन कर देता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए रेडी रहूंगा 39,290 के नीचे, ठीक है। इसके नीचे मैं सेलिंग के लिए रेडी रहूँ। अगर नीचे गिरता है, फर्स्ट टारगेट नीचे की साइड में रहेगा 39,212, सॉरी हाँ 212, सॉरी हाँ ठीक ही है, देन 39,115, देन 39,060, ये तीनों टारगेट नीचे की साइड में हम लोग प्लान कर सकते हैं। याद रखिए, 39,000 का राउंड लेवल नीचे की साइड में है तो यहाँ से स्ट्रांग आपको हम लोगों को एक मिल सकता है, एक पुश बैक मिल सकता है, तो इसके पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे प्राइस जाके कैसे मोमेंटम कर रहा है। अगर प्राइस बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल गया तो प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। अगर गैप डाउन खुलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट नेगेटिव साइड में है, गैप डाउन खुलने का चांसेस भी है, ग्लोबल मार्केट में मेरा कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। देखिए, अपर साइड में ये 200 का एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट किया था तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही रहा है, और उसके नीचे 39,000 का डाउन लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही रहा है। अगर मार्केट 200 के आसपास खुल रहा है तब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, सिंपली वेट करूंगा कि यहाँ पे एक रेंज बनाए, उस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा। क्योंकि अगर यहाँ पे खुलता है ऊपर स्पेस नहीं है बाय करने का, अगर डायरेक्टली खुल के नीचे निकलता है तब मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा सेल करने के लिए, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पे मैं उतना इंटरेस्ट, तब मैं रेंज बनाने का रेंज का वेट करूंगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 39,000 के आसपास, तब मैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टेड रहूंगा रादर देन सेलिंग बाइंग साइड में, क्योंकि जो लोग ओवरनाइट पोजिशन बना के बैठे हैं उनको एग्जैक्टली डायरेक्ट मार्केट खुलते ही 350-300 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा होगा तो लोग प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। तब यहाँ पे अगर एक कैंडल का ब्रेकआउट, कोई हैमर कैंडल या 5 मिनट्स का कैंडल का ब्रेकआउट या कोई भी यहाँ पे छोटा रेंज बना के ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग प्रेफर करूंगा, क्योंकि हम लोग का स्पेस है फर्स्ट 200 बैंड देकर लो, ये सारा टारगेट हम लोग के लिए ओपन हो जाएगा अपर साइड में, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद रेंज बनाना स्टार्ट करे, मतलब यहाँ पे मार्केट कोई बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, रेंज बनाना है, तब उस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट में गैप अप खुल गया, बिकॉज मार्केट इज अ सेलिंग साइड, तो हर एक गैप अप में लोग सेल करना पसंद करेंगे, जितने लोगों ने भी ये सेलिंग मिस किया होगा, ये सेलिंग मिस किया होगा, वो लोग सेल करना प्रेफर करेंगे। तो 600 के पास खुल रहा है, 580 के पास खुल रहा है, तो ये सारा लेवल सेलिंग एरिया रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी कैंडल बने शूटिंग स्टार जैसा हम लोग सेल करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास नीचे स्पेस है जाने के लिए। अगर प्राइस गैप अप खुलने के बाद सस्टेन करता है, कोई मतलब कंटिन्यूअसली एक जगह पे ट्रेड कर रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तब मैं इस रेंज को ट्रेड करना पसंद करूंगा। अगर इसका ब्रेकआउट होता है मैं बाइंग साइड में प्लान करूंगा, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है तब मैं सेलिंग साइड में आ जाऊंगा। आज का डे का लो मतलब ये वाला लो, ये वाला लो, ये दोनों टारगेट नीचे की साइड में हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कोई अच्छा ट्रेड दिखता है वो उसके बारे में मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी थोड़ा मुझे ज्यादा वीक लग रहा है। अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो निफ्टी उसको नीचे लेके आएगा। उसके पीछे क्या लॉजिक है मैं पहले शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे भी हम लोग फिबोनाची टूल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, प्रीवियसली 60% का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है।
यहाँ पे 50% का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो एज ऑफ टूडेज क्लोजिंग वीकली टाइम फ्रेम में वो भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा था, इसके ऊपर प्राइस प्रीवियसली सपोर्ट लेके इसके ऊपर गया था, लेकिन कहना कि 17,000 का लेवल वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने ब्रेक किया है। अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक मार्केट फ्लो में कंटिन्यूसली नीचे जाए क्योंकि 17,000 का लेवल अभी वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक कर दिया है तो यहाँ से फिर से नीचे जा सकता है, 16,600 500 ये सारा लेवल मार्केट दिखा सकता है। एक हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आए, या नेक्स्ट वीक अगर मंडे के टाइम फ्रेम में मार्केट गैप अप खुल जाता है 17,000 के अबव और एक डेली टाइम फ्रेम में क्लोज करता है और नेक्स्ट वीक कंटिन्यूअसली 17,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो क्या होगा, यहाँ पे एक ऐसा टाइप का कैंडल बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रेकडाउन था ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा और आपको पता है ब्रेकडाउन फेल होने में ऊपर ब्रेकडाउन फेल होता है, ब्रेकआउट फेल होता है, ब्रेकडाउन फेल होता है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलता है तो यहाँ से फिर अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, 17,200 300 400 ये सारा लेवल अपर साइड में दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए एक वीक 17,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में 17,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तब भी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से फ्लो में नीचे की साइड में हम लोग कंसिडर करेंगे और अगर निफ्टी नीचे करता है वो बैंक निफ्टी को भी नीचे लेके आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा था दोनों साइड में मोमेंटम मिलने का चांसेस है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ पे देखिए कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में भी तगड़े लेवल का सेलिंग मिला था। देखेंगे मॉर्निंग आवर पे उतना रिकवर हुआ है नहीं, मार्केट थोड़ा टाइम स्पेन किया इसी रेंज के आसपास, फिर सेकेंड हाफ में तगड़े लेवल का सेलिंग मिला, कल से 130 पॉइंट नीचे आके फाइनल क्लोजिंग हम लोगों ने 16,945 के आसपास दिया, 16,950 के लेवल को भी हम लोगों ने ब्रेक किया क्योंकि प्रीवियसली देखिए इस लेवल के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं दे पा रहा था, मार्केट नीचे आया इसके ऊपर क्लोज किया, नीचे आया इसके ऊपर क्लोज किया, नीचे आया इसके ऊपर क्लोज किया, अभी इसके नीचे भी डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने कैंडल क्लोज किया है। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे भी प्राइस एक्शन थोड़ा सा अभी तक उतना नेगेटिव हुआ है लेकिन अभी तक नीचे लेवल क्रॉस नहीं किया, लेकिन नीचे के लेवल जाने के एकदम पास पास है, तो अगर मार्केट को घूमना इधर से इज द राइट टाइम, अगर घूम जाते तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ से फिर से हम लोग नीचे की साइड में ये सारा लेवल टेस्ट करने के लिए जा सकता है फिर से। ठीक है, अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं, एग्जैक्टली मंडे के लिए क्या प्लानिंग रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मॉर्निंग आवर पे मार्केट यहाँ पे जैसे कल उन्होंने डिस्कस किया था हम लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक चैनल भी ड्रॉ किया था, कहीं ना कहीं मैंने बताया था 17,050 के लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम लोग सेल कर सकते हैं, 17,020 का फर्स्ट टारगेट, 20 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 17,990 का सेकंड टारगेट रहेगा, इसने 995 का लो लगाया था, 5 पॉइंट से सेकंड टारगेट मिस हुआ लेकिन वेल एंड गुड, फिर यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया, फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन पे अच्छा एक मोमेंटम हम लोगों को मार्केट ने यहाँ पे दिखाया, 17,945 का मार्केट ने समान इस लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। अभी बात करते हैं कि हम लोगों ने कल के लिए क्या प्लानिंग रहेगा। देखिए आप लोगों के लिए अभी रेजिस्टेंस क्या है, 17,020 से लेके 17,000 का राउंड लेवल, ठीक है ये हम लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है अभी। ठीक है, और नीचे हम लोगों के लिए एक छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट है 16,920 से लेके, सॉरी मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ, 16,920 से लेके 900 का लेवल, ठीक है ये छोटा सा हम लोगों के लिए एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो मार्केट अगर इस जोन के अंदर मार्केट खुले, मार्केट यहाँ पे टाइम बिताए, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग तो हम लोग यहाँ पे अगर फ्लैट खुले डे का लो ब्रेक करे 920 का तब भी मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए उतना इंटरेस्टेड हूँ, थोड़ा सा सेलिंग कर सकता हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा सा स्पेस है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा स्पेस है, नीचे की साइड में 40 पॉइंट्स का दो टारगेट आराम से अचीव हो सकता है, 16,860 का फर्स्ट टारगेट, 860-870 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन उसके नीचे 16,030 16,025 ये सारा लेवल मार्केट नीचे की साइड में दिखा सकता है अगर फ्लैट खुल के एक ही दो कैंडल टाइम स्पेंड करके नीचे ब्रेकडाउन करता है। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है 6950 के ऊपर 980 के आसपास 700 के आसपास फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, उसके बाद बहुत देर तक टाइम स्पेंड करने के बाद अगर 17,020 का लेवल ऊपर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ से हम लोगों को अपमूव मिल सकता है, फर्स्ट टारगेट 17,000 यहाँ पे 50-60 का रहेगा, देन इसके ऊपर 17,080-90 का सेकंड टारगेट अपर साइड में बन जाएगा। अगर मार्केट डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है तो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है तो ये सारा लेवल कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए वेटिंग लेवल रह जाएगा, यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं ले सकते। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है सबसे पहला कंडीशन हम लोगों का क्या रहेगा कि हम लोगों को देखना है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं, टू बी ऑनेस्ट 17,040-50 के आसपास अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रहा है गैप अप खुलने के बाद 700 के अबव तो यहाँ पे हम लोगों का एक वेट करना है कि एक रेंज बने, उसके बाद 17,100 का लेवल मार्केट ब्रेक करे, उसके पहले हम लोग इसके बीच में ट्रेड नहीं ले सकते। 17,100 का लेवल ऊपर ब्रेक करे तो यहाँ से एक अच्छा अपमूव हम लोगों को मिल सकता है जो प्राइस को 17,040-50 देन 17,080-90 ये सारा लेवल तक लेके जा सकता है, उसके बाद 200 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वहाँ से फिर से सेलिंग आ सकता है, ऐसा डिफरेंट स्टोरी लेकिन ये दोनों टारगेट बन जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं और बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ, अगर मिलता है वेल एंड गुड हम लोग कैप्चर करने का कोशिश करेंगे, अगर नहीं मिलता है इससे इट इज मोर देन इनफ।
अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये लेवल हम लोगों के लिए रहेगा बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट। क्यों मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट इसी सपोर्ट जोन एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले ऊपर चला गया, सपोर्ट लिया, यहाँ से अच्छा बाउंस बैक किया। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 16,850 830 के आसपास, इसी लेवल के आसपास जैसे बैंक निफ्टी में डिस्कस किया, ये हम लोगों के लिए बाइंग एरिया रहेगा। यहाँ पे कोई भी कैंडल बने, हैमर कैंडल बने, उसके बाद एक 5 मिनट्स का ब्रेकआउट हो, मैं यहाँ पे बाइंग प्रेफर करूंगा, क्योंकि मार्केट के पास स्पेस है जाने का। आज का डे का लो क्लोजिंग ये सारा लेवल तक भाई आराम से जा सकता है, तो अच्छा प्रॉफिट हम लोग को मिल सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर खुलने के बाद कोई रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे फिर वेट करेंगे। इस रेंज का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कोई इंटरेस्टिंग ट्रेड दिखता है, उसके बारे में टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। चलिए अभी मंडे के इंटरडे सेशन के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है कोल पेल। यहाँ पे बहुत दिनों से प्राइस यहाँ पे होल्ड किया, एक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अभी ये ब्रेकआउट फेलियर नजर आ रहा है। फिर से इसी लेवल के अंदर मार्केट ने क्लोज कर दिया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी दिख रहा है। अगर फ्लैट खोल के 1500 से लेके 1496 का लेवल नीचे ब्रेक करते हैं, हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। नीचे के सर में टारगेट 1480 1481 तक का रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के लिए हिंदाल्को। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट आज बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया था। कल उन्होंने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर बाई करेंगे, लेकिन मार्केट इसके ऊपर गया ही नहीं, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेलिंग कैंडल दिख रहा है, कहने की एक बेयरिश इंगल्फिंग जैसा पैटर्न बना है। अगर मार्केट फ्लैट खोल के नीचे की साइड में जो सपोर्ट है वो ब्रेक करता है 385.50 या 386 का लेवल, तो हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 381 तक का नीचे की साइड में टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोगों के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पे एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न क्लियर कट दिख रहा है। फ्लैट खोल के अगर डे लो ब्रेक करता है, हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 659 या सॉरी 649 तक का हम लोग इनिशियल टारगेट रहेगा नीचे की साइड में। लास्ट स्टॉक है हम लोगों के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अच्छा खासा सेल हुआ था, यहाँ पे कुल बैक लिया। जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाई किया उनका स्टॉप लॉस ये सारे लेवल के आसपास था, और कहने की घूम के ये स्टॉप लॉस को मार्केट हिट करके फिर से नीचे क्लोज कर दिया, तो यहाँ से फ्लो में और थोड़ा नीचे गिर सकता है। अगर फ्लैट खोल के 220 या 219.50 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है, हम लोग सेल कर सकते हैं। 217.50 का फर्स्ट टारगेट एंड 215 का सेकंड टारगेट रहेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।